हमारे बीच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान यहाँ पधार चुके हैं। महंत श्री हमारे बीच में यहाँ हैं, उनका आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। और अब मैं रामेश्वर शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को साथ में लेकर, विश्वास सारंग जी को साथ में लेकर, सुरेंद्र नाथ सिंह जी को साथ में लेकर दीप प्रज्वलन के लिए पहुंचे। जहां दीप प्रज्वलन की व्यवस्था है वहां से थोड़ा सा आप लोग साइड में हो जाएं, और समस्त हमारे धर्मगुरु भी इस समय दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया संपन्न करने के लिए पहुंच चुके हैं। हम इस समय दीप प्रज्वलन का ये क्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से संपन्न होगा। राज्य मंत्री आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी, मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री सुरेंद्र नाथ सिंह जी, रामेश्वर शर्मा जी, सत्यनारायण जी सत्तन जी, महंत श्री चंद्रमा दास जी, ज्ञानी दिलीप सिंह जी, बौद्ध भंते जी एवं समस्त हमारे वे मुख्य कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, जो दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कवि सम्मेलन का नव वर्ष संवत्सर के इस पावन अवसर पर दीप प्रज्वलित कर ईश्वर से विनती करते हैं कि हमें आने वाले वर्षों में और अब मैं निवेदन करूंगा माननीय रामेश्वर शर्मा जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। इसी स्वागत के क्रम में निवेदन है सुरेंद्र नाथ सिंह जी से, वे भी स्वागत करें। विश्वास सारंग जी से भी निवेदन है, वे भी स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाकर आप इस भावभीने अभिनंदन स्वागत को अपना संबल प्रदान करें। जोरदार तालियां। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सभी की ओर से, आप सभी की ओर से हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत। चूंकि आज चैती चांद का अवसर भी है, अब रामेश्वर शर्मा जी आपके सामने हैं। चूंकि कवि सम्मेलन हमारा शुरू हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने व्यस्तम कार्यक्रम के बाद हमारे बीच में आए हैं, एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिवादन करें। और मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए, आप सबको नूतन वर्ष हिंदू नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दें। दोनों हाथ उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तरीके से स्वागत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भोपाल की जनता की, आए हुए कवि वरों की और मेरे भांजे भांजियों की। मंच पर विराजमान हमारे सभी धर्म गुरुगण, महंत चंद्रमा दास जी, ज्ञानी दिलीप सिंह जी, हमारे भंते जी, सत्यनारायण सत्तन जी जो सरस्वती के भरत पुत्र हैं उनको प्रणाम, पधारे हुए सभी कविवर, मेरी बहनें और मेरे भाई, सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, कर्म श्री श्री रामेश्वर शर्मा जी लगातार निरंतर कर्म में लगे रहते हैं, और मध्य क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और भाजपा के जिलाध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र नाथ सिंह जी मम्मा अपने, सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और मेरे बहनों भाइयों भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। अतिथियों का स्वागत और आप सबको वर्ष प्रतिपदा, गुड़ी पड़वा, चेती चांद,
सबकी हार्दिक शुभकामनाएं। अपना नव वर्ष है ये, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना ओरिजिनल नया साल यही है भैया, वो 1 जनवरी वाला तो उनका है, जिन्होंने कभी हमारे देश पे कब्जा किया था। और इसलिए हमने तय किया कि नया साल गुड़ी पड़वा के दिन ही मनेगा, और सार्वजनिक रूप से छुट्टी की मैंने घोषणा की कि इस दिन छुट्टी रहेगी, ताकि हम अपना त्योहार ढंग से मना सके। कल मैं उज्जैन में भी था, 2,75,000 दीप जलाए, इसलिए कि विक्रम संवत का 2075वां साल है, यह हमारी परंपरा का वर्ष है। लेकिन आज नवरात्रि का पर्व भी प्रारंभ हो रहा है, शक्ति की आराधना कर रहे हैं हम, उपासना कर रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक तरफ हम बेटियों का पूजन कर रहे हैं, मैं तो रोज ही बेटियों के चरण धोके उस पानी को अपने माथे से लगाता हूं हर कार्यक्रम में, क्योंकि बेटी हमारे लिए देवियां हैं, गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती। बेटी बढ़े ये संकल्प है हमारा, लेकिन कुछ दुष्ट ऐसे पैदा हो जाते हैं जो 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 स्वरूप मात्र स्वरूप होता है, उस दृष्टि से बेटियों को नहीं देखते। ऐसे सभी गुंडे बदमाश मंचलों की आजकल मैं ठुकाई करवा रहा हूं सार्वजनिक रूप से। मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है, ये ठुके ये पिटे, मानवाधिकार इनके नहीं होते, राक्षसों के कोई मानवाधिकार होते हैं क्या? मतलब मैंने कहा ठीक कर दो, और जो इस तरह के गुंडे और बदमाश होंगे उनके निर्माण फिरमाण सब धराशायी कर दे जाएंगे, तोड़ के फेंक दिए जाएंगे। बेटियां हमारी देवियां हैं, मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तय किया है। एक तरफ बेटियों को देवियां मानने वाला यह देश, हाँ कुछ नराधम ऐसे पैदा हो गए जो बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर इसी साल हमने कानून बनाया है, बेटियों के साथ दुर्व्यवहार दुराचार करने वाले को सरेआम फांसी की सजा दी जाए। ये ऐसे लोग नहीं है कि दुनिया में जिंदा रहे। अब तो बेटियों की पुलिस में भी भर्ती काफी कर रहा हूं, 33% बेटियां पुलिस में भर्ती होगी। बेटियों के हाथ में डंडे दूंगा तो गुंडों की अकल ठिकाने लगाएंगे, और वो बेहतर और बढ़िया काम कर रही है। महिला सशक्तिकरण का नया युग प्रारंभ हुआ है, आइए हम एक तरफ शक्ति की उपासना करें, वहां दूसरी तरफ ये संकल्प भी करें कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटियां पूजनीय होगी, आगे बढ़ेगी, पूरा समाज मां बहन और बेटी का सम्मान करेगा, क्योंकि बिना इस आधी आबादी के दुनिया नहीं चल सकती, सृष्टि का चक्र नहीं चल सकता। ये देश ऐसा है जिसने कहा यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम धर्म की जय बोलने वाले, अधर्म का नाश हो ये कहने वाले लोग हैं। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यह कामना करने वाला मेरा भारत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। लेकिन जनता के कल्याण में खलल डालने वाले नहीं छोड़े जाएंगे। लेकिन नए साल के दिन आज मैंने होमगार्ड के बच्चों को रेगुलर किया है। रोजगार भी एक बड़ा सवाल है,
और मैंने एक बात आज कही है, ये संविदा जैसी नौकरियां, शोषण है शोषण, तनख्वाह कम तो काम ज्यादा कराओ, कौन सी बात होती है। अच्छा, मध्य प्रदेश की धरती पर यह शोषण नहीं चलेगा, नई नीतियां बनाई जाएंगी, मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए नया सवेरा लाएंगे और मध्य प्रदेश को हिंदुस्तानी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। ये संकल्प भी आज हम करते हैं। मां से बस यही प्रार्थना है कि मां हमें शक्ति देना, हमें सद्बुद्धि देना, हमें सन्मार्ग पर चलाना और हमें सामर्थ्य देना ताकि मध्य प्रदेश की जनता की बेहतर सेवा कर सके। मेरे मित्रों, अभी स्वच्छता अभियान भी चल रहा है, उसमें भी नंबर अपने ही मध्य प्रदेश का है। नंबर वन इंदौर रहा सत्तन जी, नंबर टू भोपाल रहा, कॉम्पिटिशन अच्छा हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है आप सबके सहयोग से मध्य प्रदेश फिर अव्वल रहेगा। हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश आगे बढ़ता रहे, इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। कई बार हम अधिकार की बात बहुत करते हैं लेकिन कर्तव्य भूल जाते हैं। अधिकार भी हमारे हैं लेकिन कर्तव्य भी अपना पूरा करेंगे, अपनी भारत माता के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। भोपाल में हमने सौर स्मारक बनाया है। ये मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है, भगवान ना करे कभी कोई भारत माता का लाल देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हो, लेकिन मेरी मध्य प्रदेश की धरती ना हो कभी है। लेकिन कभी होता है तो 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि उन परिवारों को देने का काम करता है। शासकीय नौकरी प्रतिमा लगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए फ्लैट दें, मकान दें। सूरवीरों का, शहीदों का सम्मान करने वाला मेरा प्रदेश, भारत की परंपराओं का निर्वाह करने वाला मेरा प्रदेश। और गुरुजी, रानी कमलापति का भी शहर है राजा भोज के साथ साथ, और इसी साल रानी कमलापति की विशाल प्रतिमा कमला पार्क में स्थापित की जाएगी। हमारी परंपराओं को हम जीवित रखेंगे, हमारी संस्कृति का मान बढ़ाने वाले हमारे लिए महापुरुष हैं। लेकिन अब आप भी कविता सुनना चाहते हैं और एक दो मैं भी सुन के जाना चाहता हूं, इसलिए कवियों का भी मैं स्वागत करता हूं। आइए मेरे भोपाल के बहनों भाइयों, मेरे बेटे बेटियों, संकल्प लें कि अधिकारों की बात तो करेंगे लेकिन अपना कर्तव्य भी नहीं भूलेंगे, अपनी भारत माता को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम अपना सर्वस्व झोंक के काम करेंगे। बोलिए सब तैयार हो, अरे जोर से बोलो तैयार हो, तो दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के भारत माता की सेवा का और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प ले। उठाइए दोनों हाथ, पीछे वाले भी, दाएं बाएं, और बेटा बेटी भी, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद आज जो कविवर आए, हमारा सौभाग्य है। श्रीमान हरिओम पवार जी मुर्दों में प्राण फूंक दे साहब, आपका हृदय से स्वागत। गुरु जी तो आई, सत्यनारायण सत्तन जी प्रणाम आपको। आपको देख के कविता अपने आप फूट पड़ती है। पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोशी जी, जोगी जी, ऐसा हंसाए कि लोग हंसते ही रह जाएं। श्री प्रदीप चौबे जी नहीं आए, प्रदीप जी हमारी बहन श्रीमती पूनम वर्मा जी, उनका भी स्वागत। बहन श्रीमती अनामिका अंबर जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। श्री राम बाबू सिकरवार जी हास्य व्यंग के प्रख्यात कवि हैं, उनका भी स्वागत है। और सुनील शर्मा हमारे गीतकार है, गुना के गुणों से भरपूर है,
इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। शब्दों से तो क्या भैया, माला ले आओ, मैं सबका स्वागत करता हूँ। अच्छा पटके से ही कर देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारे मध्य प्रदेश को 5वां कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया जाए। सब हाथ उठे नहीं, पूरे हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। मध्य प्रदेश कृषि में 5 बार से लगातार उन्नत है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए लख लख बधाई, जोरदार किसानों के लिए भी ताली बजाइए, दोनों हाथ उठाकर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। देख लिया आपने है? समझ गए? समझने की बात यह है कि कवि आसन पर बैठा है और राजनीति नीचे बैठी है। कविता का यथार्थ सम्मान है और ये शिवराज के नेतृत्व में है। अब ये मिली भगत है, एक शिवराज है, दूसरे क्या है? हैं? ये दोनों एक दूसरे के अन्योन्याश्रय हैं। शिव और ये एक दूसरों के अन्योन्याश्रय हैं। साहित्य के प्रति अनुराग है, राजनीति का कर्म है और कर्म और धर्म का निर्वाह करते हुए ये साहित्य के घाट पर आकर के खड़े हुए हैं। सफलता तो इस बात की है कि राजा जमीन पर बैठता है और कवि को आसन दे करके कविता सुनता है। ये प्रजातंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। हमारे देश की शानदार कवित्री अपनी बात कह रही थी, गुंडे बदमाशों का घर टूटना चाहिए, ये बात शिवराज जी ने भी कही। तोड़ो है, रोकता कौन है? कोई रोकेगा क्या? कौन रोकेगा है? मोड़ो प्रशासन को, चुस्त करो, कार्यकर्ता दुरुस्त करो। जीत तुम्हारा दरवाजा खटखटा रही है, जनता का विश्वास तुम्हारे साथ है और जब एक यार मेरे से यही शिकायत है, मैं जोर से बोलूं तो बोले डरा रहा है और धीरे बोलूं तो बोले आवाज नहीं आ रही है। जरा अपने कान के पर्दों को दिल से मिला करके सोचोगे तो सब उतर जाएगा। ये साहित्य का मंच है और इस मंच पर प्रदेश का मुख्यमंत्री आया है, मंत्री बैठे, विधायक बैठे, राजनीतिक कार्यकर्ता बैठे और यहाँ पर देश के एक कवित्री काव्य पाठ कर रही थी, वो उसका पूरा नहीं हुआ। मैं कहता क्या हूँ, तुम समझते क्या हो? ये तुम्हारे अकल की बलिहारी है। पूनम वर्मा आपके बीच में थी और शिवराज जी का अबे मैं धीरे बोल रहा हूं है, अब इससे मूल मिला के तो नहीं बोल सकता है, आवाज आएगी और इस आवाज को आप तक आने के लिए उस आवाज को यहाँ पर आना पड़ेगा जो बिना अपना काव्य पाठ पूरा किए हुए चली गई। अच्छा एक अकेला है और ये बाकी क्या सब ऐसे बैठने ही आए क्या?
हैं, आप जोरदार तालियां बजाएंगे, दोनों हाथों को उठाएंगे, वही हाथ उठाए जिनको दिए, जिनको नहीं दिए हैं वो इन्हें तालियों में तब्दील करें और बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। पूनम अब आओ, चंद्रमा साफ है, आसमान साफ है, चंद्रमा का चमकना बहुत जरूरी हो गया है। आपका वो गीत जो हमारे कर्ण कुहरों तक पहुंच रहा था, एक बार पुनः हमारे बीच में पहुंचे, जोरदार तालियां बजा के। आप पाठ कर रही थी तब आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस मंच पर आए, मैं उनकी उपस्थिति में उनके चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ और आप जैसे शुद्धि श्रोताओं को एक बार पुनः अभिनंदन करती हूँ। आप लोग सचमुच में बहुत अच्छा सुनते हैं और मैं तो ये कह रही थी अभी रामेश्वर जी से कि अगली बार देश के किसी कवि सम्मेलन में जाऊंगी तो पहली शर्त यही रख दूंगी कि श्रोता तो भोपाल से मंगवाने चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए और आदरणीय जैसे कि बेटी के बारे में कह रहे हैं, मेरा मन है ये करिश्मा भी बेटा पहली बार हो रहा है कि पड़वा है और पूनम है। मैं कुछ कहने कोशिश कर रही लेकिन जैसे कि आदरणीय ने कह दिया है तो मैं अपने नाम को लेकर मैंने चार पंक्तियां कहने कोशिश की है जो मेरी पहचान की पंक्तियां हैं और आप सभी लोग यहां पर कविता को जानने वाले समझने वाले लोग बैठे हुए हैं। मैंने चांद का, समुद्र का और पूनम का चार पंक्ति में बांधने कोशिश की है, आप सभी के आंगन में सौंपना चाहती हूँ और आप सभी को लगे कि मैंने शायद कुछ अच्छा कहने कोशिश की है तो आप सभी लोग भरपूर तालियों से मुझे हौसला देंगे, मेरी हिम्मत बढ़ाएंगे। मैं चार पंक्तियां निर्मित करना चाहती हूँ, जैसे आदरणीय कह रहे थे कि पूनम है, पड़वा है, तब मैं कहने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। कि मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं, आप सभी का भी ध्यान चाहती हूँ। कि मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं और जान मुझ पर निसार बार बार करते हैं, जान मुझ पर निसार बार बार करते हैं। कि मैं भला इंतजार क्यों करूं सितारों का, और आखिरी पंक्ति पर आप सभी का साथ चाहिए। कि मैं भला इंतजार क्यों करूं सितारों का, सितारे खुद ही मेरा इंतजार करते हैं। वाह बेटे वाह वाह। कि सितारे खुद ही मेरा इंतजार करते हैं। और चार पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि इश्क वालों का तो हर दिल में बसर होता है, इश्क वालों का तो हर दिल में बसर होता है, और प्यार कर लो तो फिर आंखों में बिखर होता है। कि उम्र भर हमारे हम इस मंच पर हैं, जैसे बेटियों की बात कही है अनामिका जी इस मंच पर हैं, तब मैं कहने कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। कि इश्क वालों का तो हर दिल में बसर होता है, और प्यार कर लो तो फिर आंखों में भी घर होता है। कि उम्र भर हम रहे कांटों में गुलाबों की तरह, उम्र भर हम रहे, कि उम्र भर हम रहे कांटों में गुलाबों की तरह, लोग कहते रहे संगत का असर होता है, लोग कहते रहे संगत का असर होता है, लोग कहते रहे संगत का असर होता है। और जैसे अभी आदरणीय कह रहे थे कि जो गुंडे होंगे बदमाश होंगे उनके कार्रवाई की जाएगी, तब मैं चार पंक्तियां कहने कोशिश करती हूँ, बेटियों के लिए कहना चाहती हूँ और आप सभी का मन मांगते सुनिएगा। कि प्यार में इम्तिहान मत लेना, प्यार में इम्तिहान मत लेना, और बेरुखी की कमान मत लेना। कि जैसे उड़ते हैं वैसे उड़ने दो, जैसे उड़ते हैं वैसे उड़ने दो, तुम परिंदों की जान मत लेना, तुम परिंदों की जान मत लेना।
और आइए एक गीत पढ़कर अपना स्थान लेना चाहूंगी। मैं जानती हूँ कि आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे होंगे। एक गीत पढ़ना चाहती हूँ, गीत से पहले चार पंक्तियों में निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि मथुरा की भूमि से आई हूँ और श्रृंगार के लिए आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ। तब कहने कोशिश करती हूँ कि फूलों का कोई परिवार नहीं होता, फूलों का कोई परिवार नहीं होता, खुशबू का कोई घरबार नहीं होता, और कागज और पानी की दोस्ती कितनी ही पक्की क्यों ना हो, कागज और पानी की दोस्ती कितनी ही पक्की क्यों ना हो, पर कागज की कश्ती से कभी दरिया पार नहीं होता। तो मैं गीत मस्ती का गीत मस्ती के साथ सुनिएगा, मस्ती के साथ जुड़िएगा, कहने की कोशिश करती सुनिएगा। इधर थोड़ी आवाज आ रही है, मैं उनसे आग्रह करती हूँ थोड़ी देर के लिए शांत होकर सुने सुनिएगा कि चलो आज फिर खो जाए हम, चलो आज फिर खो जाए हम एक दूजे के प्यार में, और क्या तुम इसके लिए मुहूर्त देखोगे अखबार में। मैं चाहती हूँ गीत के साथ तालियों के साथ आप लोग साथ दें तो मुझे पढ़ने में अच्छा लगेगा, आप लोगों को सुनने में भी अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करती हूँ, सुनिएगा कि चलो आज फिर खो जाए हम, चलो आज फिर खो जाए हम। देखिए जब तक सब लोग मिलकर ताली नहीं बजाएंगे मैं इसी लाइन को रात भर दोहराती रहूंगी और आप लोग को यहाँ से जाने का मौका नहीं दूंगी। नहीं, मैं गीत शुरू बेटा, बात ऐसी है कि ये अनुशासित हो गए।